मुंबई और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को चूना लगाता था। बेहतर भविष्य के नाम पर फरेब का जाल, सुरक्षित जीवन का सब्जबाग दिखाकर ठगी का खेल। गाजियाबाद पुलिस थाने में खड़े ये वो शातिर ठग गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस और गाजियाबाद साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मिलकर पकड़ा है। फर्जीवाड़े की तमाम शिकायतों पर मुहर लगने के बाद मुंबई पुलिस और गाजियाबाद साइबर सेल की टीम ने जब इनके कॉल सेंटर पर धावा बोला तो वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 लड़के लड़कियां दिल्ली NCR से लेकर मुंबई तक नए नए शिकार तलाशने में जुटे थे। गाजियाबाद में काफी दिनों से चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा मुंबई में दर्ज मामलों से हुआ। गाजियाबाद पुलिस की माने तो यह गैंग तरह तरह के आर्थिक म्यूचुअल फंड में निवेश के बहाने, बेहतर पॉलिसी के बहाने और लोन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करता था। गिरोह के टेलीकॉलर्स खुद को बैंक का स्टाफ बताकर ग्राहकों को फोन किया करते थे। ग्राहक की रुचि भांपने के बाद टीम लीडर बेहतर निवेश का झांसा देकर ग्राहकों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस को इनके ठिकाने से कई फर्जी दस्तावेजों के साथ फर्जी सिम कार्ड, पासबुक, वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।